हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिवन। आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के कुछ प्रश्न। आज के प्रश्न जो है वो कुछ नए हैं और इस तरीके के हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अप्लाइड वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम जो है वो होना चाहिए। ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति, परियोजना उन्मुखी, चर्चा उन्मुखी या मुक्त अंत। तो देखिए, सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, तो शिक्षण का उपागम जो है वो कैसा होना चाहिए? शिक्षण का उपागम जो है वो चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। ठीक है, चर्चाएं होनी चाहिए जिससे कि बातें जो है वो समझ में आ सके, जिससे कि जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं वो उनको दूर किया जा सके और जो भी एटीट्यूड बना हुआ है उसमें भी चेंजमेंट लाया जा सके। तो इसके लिए जरूरी है चर्चा उन्मुखी। क्वेश्चन टू है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह इस डैश को निश्चित करती है। तो यहाँ पर क्या फिल होगा? परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता को सुनिश्चित करती है, विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने को सुनिश्चित करती है, अधिक अनुशासन कक्षा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। तो यहाँ आपको क्या फिल करना है? प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन थर्ड है, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। ठीक है, तो वो क्या लिख रही है? विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, यह लिख रही है। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? विश्लेषण में, कौशल में, संश्लेषण में या बोधन में? एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिख रही है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, तो यह आएगा आपके बोधन क्षेत्र में। ठीक है, तो यह उद्देश्य जो है वह किस क्षेत्र में आएगा? बोधन क्षेत्र में। क्वेश्चन फोर है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपागम सबसे उपयुक्त होगा? व्याख्यान और स्पष्टीकरण, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना, श्रुत लेखन एवं अभ्यास, लगातार जांच। तो कक्षा में अन्योन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त उपागम जो है वह होगा, लेक्चर मेथड तो नहीं होगा, श्रुत लेखन एवं अभ्यास ये भी नहीं होगा, और लगातार जांच ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना, जिससे कि पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाक्य विस्तार, चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना, समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण या शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। तो हमें देखना है यह मौखिक तर्कणा से संबंधित, तो मौखिक तर्कणा से संबंधित जो होगा वो होगा संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग करना और वाक्य विस्तार करना। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, शिक्षा जीवन है, यह सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो देखिए, जीवन का अधिकार जो अनुच्छेद है उसमें नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो यह क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है,
या केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है? शिक्षा जीवन है या सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? तो आंसर जो है वो होगा, शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है, क्योंकि केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, ये तो बात गलत होती है। और डी ऑप्शन जो है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए तो जो अनुच्छेद है शिक्षा का अधिकार वह आया, और शिक्षा जीवन है तो यहाँ भी एक पक्ष की बात हो रही है, लेकिन आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। क्वेश्चन 7 है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को कक्षा में समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, या वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। तो सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया है तो क्या करेंगे, इसमें सामूहिक परियोजना कार्य देंगे, ठीक है, सहयोगी अधिगम जिससे कि हो पाएगा और जिससे इसको बढ़ावा मिलेगा। प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है प्रश्नोत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति या चर्चा पद्धति। किसका? इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका, तो यहाँ पर है प्रारंभिक स्तर पर। तो देखिए प्रारंभिक स्तर पर कहानी और कथन पद्धति जो है वह इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है, क्योंकि व्याख्यान पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति और चर्चा पद्धति ये तो बड़ी कक्षाओं के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तथ्यों का श्रुतलेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन या योजना। सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए? तथ्यों का श्रुत लेख, ठीक है, तथ्यों को केवल सुनकर और लिखना, ये सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ये तो करेंगे, अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न या बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा बंद उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है वो राइट होते हैं, कौन कौन से, अभिसारी प्रश्न और बंद उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक पॉइंट पर जाकर रुकते हैं, यानी इनका एक ही सटीक आंसर होता है, ये बंद उत्तर वाले प्रश्न में ही आता है अभिसारी प्रश्न, तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है वो सही होते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना यानी अच्छी नागरिकता का, या उक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य तो सभी होता है, यानी जो इंटीग्रेटेड नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है और अच्छी नागरिकता का ज्ञान, ये सभी जो उद्देश्य है ये सामाजिक अध्ययन विषय के होते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त अध्याय है हमारा गांव तथा प्रांत, राष्ट्रीय जन जागृति एवं सेवाएं, पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध या इंग्लैंड की औद्योगिक नीति। अब देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर रटने वाली तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ आपको केवल सोचना होगा और सोचकर अपना आंसर देना होगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त अध्याय है तो कौन सा होगा, यहाँ पर आंसर होगा हमारा गांव तथा प्रांत। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अध्ययन बल देता है, किस पर बल देता है, समन्वित ज्ञान पर, अभिक्रमित अध्ययन पर, भूगोल विषय पर या विशिष्ट अध्ययन पर। तो सामाजिक अध्ययन जो है वो किस पर बल देगा, वह बल देगा समन्वित ज्ञान पर, ठीक है।
सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है। देखिए आंसर जो है वो आप कैसे देंगे, क्वेश्चन को एक नहीं दो बार पढ़ना है और ऑप्शन को हमेशा वह चुनना है जो कि सभी ऑप्शन को समाहित करे, यानी सभी को लेकर चले, एक पक्ष की बात ना करे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है संरचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति या उक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षण का आधार है वो क्या है, वो है संरचनात्मक, सांस्कृतिक और आर्थिक। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? नर्सरी से, केजी से, कक्षा 4 से या कक्षा 8 से? तो हम लोग सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि यह कक्षा 4 से प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जो इन्वायरमेंटल स्टडीज हम पढ़ते हैं, ईवीएस, ठीक है, तो वहां पर भी सामाजिक अध्ययन की बातें जो है वो प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहाँ पर कक्षा 3 जो है वो नहीं दिया हुआ है, यदि कक्षा 3 होता तो आप कक्षा 3 जो है वो है सही चुनते। कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपनों में परिवर्तन करना करने से होता है ध्यान आकर्षण, ध्यान केंद्रीकरण, ध्यान विचरण या उक्त सभी। कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपनों में परिवर्तन करने से क्या होता है? ध्यान आकर्षण भी होता है, उस चीज को, उस उद्दीपन को देखकर ध्यान आकर्षण भी होता है, ध्यान केंद्रीकरण भी होता है, यानी कि बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं, ध्यान विचरण होता है। तो ये सभी जो है परिवर्तन होते हैं। और उद्दीपन का अर्थ जो है वो आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उद्दीपन क्या होता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे? रुचि का, प्रेरणा का, नियम का या उक्त सभी का? तो यदि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कर रहे हैं तो ये सभी जो है इन सिद्धांतों का पालन जो है वो करना पड़ेगा। कक्षा 4 व 5 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए पढ़ाएंगे। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से सामाजिक अध्ययन, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं सोचना है थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास, वहां पर भी हम जो आंशिक रूप से सामाजिक अध्ययन को पढ़ते हैं, ठीक है, ईवीएस के रूप में। कक्षा 4 और 5 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए पढ़ाएंगे निकट की विषय वस्तु, अमूर्त विषय वस्तु, राष्ट्रीय तत्व या उक्त सभी। तो हम क्या पढ़ाएंगे कक्षा 4 और 5 में? तो वहां हम जो निकट की विषय वस्तु है वही पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि लेवल जो है वो छोटा होता है, इसीलिए सामाजिक अध्ययन जो है वह कक्षा 3, 4 और 5 में भी पढ़ाई जा रही है ईवीएस के रूप में। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे उपयोगी है शिक्षण स्तर, शिक्षण विधियां, भाषण या पाठ्य पुस्तक। तो सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे जो उपयोगी है वो कौन सी है? सबसे उपयोगी है शिक्षण विधियां, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नई विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं तो शिक्षण और भी अधिक बेहतर हो जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, देखिए आज के जो प्रश्न थे वो फैक्चुअल नहीं थे, आज के प्रश्न जो थे वो बिल्कुल अप्लाइड थे, जो कि आपको सोचकर करने होंगे। आप सामाजिक जो शिक्षण के यदि अध्यापक बनेंगे, इस तरीके से आप यदि सोचकर आंसर देंगे तो आपके सभी आंसर सही जाएंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए शिक्षण तकनीकी की देन है शिक्षण आव्यूहन, शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण नियोजन या उक्त सभी। तो जो शिक्षण तकनीकी की देन जो है वह है सभी, शिक्षण आव्यूहन, शिक्षण प्रतिमान और शिक्षण नियोजन, ठीक है, ये सभी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए शिक्षण तकनीकी है। चलिए तो आज हमने 20 प्रश्न किए हैं, इसी तरीके से हम और भी बिल्कुल अलग अलग टाइप के प्रश्न जो है वो करेंगे, ठीक है। और हम जैसे कि मैंने आपको बताया 2011 से लेकर अब तक जो भी प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं वो सभी प्रश्न जो है वो हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।